इतिहास लिखा है इसमें, कुछ खास छिपा है इसमें। इतिहास लिखा है इसमें, कुछ खास छिपा है इसमें। मर्यादा है कोई वादा है, विश्वास रखा है इसमें। सात फेरों से मिला ये तो उपहार है, मेरा श्रृंगार है, मेरा श्रृंगार है, मेरा श्रृंगार है, मेरा श्रृंगार है। मंगलसूत्र, 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 मंगलसूत्र। तुम जानती हो उसने कितना बड़ा गुनाह किया है, मैं कैसे माफ कर सकती हूँ उसे? दीदी, मैं बहस करके आपका अपमान नहीं करना चाहती। मैं जानती हूँ कि उसने आपके दिल को बहुत ठेस पहुँचाई है। रितिका, मुझे ट्रेनिंग के सिलसिले में 3 महीने के लिए सिंगापुर जाना होगा। क्या आप माँ से मिले थे? उन्होंने जमानत के लिए हाँ कर दी ना? मुझे अफसोस है स्नेहा जी, उन्होंने मना कर दिया। क्या? मैं तो बस जज साहब से मिलकर अपनी बेटी के गुनाहों के लिए माफी मांगकर अपनी शर्मिंदगी को कम करना चाहती हूँ। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ भाभी जी। मेरी सास ने मेरी जमानत देने से इनकार कर दिया। इसका मतलब तुम्हारे सास ससुर असुर साबित हुए। रोहित बेटा, अब तक उदास बैठे हो। बुआ जी, मैं सोच रहा था कि घर कितना खाली खाली सोना हो गया है। माँ ने जीजू और दीदी भी चले गए और उसके बाद आप भी अमेरिका चले जाओगे। हाँ बेटा, जाना तो पड़ेगा ही, लेकिन तुम उदास क्यों हो रहे हो? तुम भी तो चल रहे हो मेरे साथ। मैं? हाँ बेटा, कल भैया से मेरी इस बारे में बात हुई कि कुछ दिनों के लिए मैं तुम्हें अपने साथ अमेरिका ले जाऊंगी। लेकिन बुआ जी, फिर पापा यहाँ अकेले कैसे रहेंगे? बेटा, मुझे भी इसी बात की चिंता खाई जा रही है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें वहां ज्यादा दिनों तक नहीं रोकूंगी, जल्दी वापस भेज दूंगी। और बेटा, एक बार तुम्हारी शादी होगी तो ये घर फिर से हरा भरा हो जाएगा। वैसे भैया कहाँ है? पापा तो पुलिस स्टेशन गए हुए। ये सूर्या भी ना खुद चैन से जीता है और ना ही दूसरों को जीने देता है। पुलिस कस्टडी में भी रहकर अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। राधा जी आई जी। राधा, पैसे भिजवा दिए तुमने? हाँ जी, भिजवा दिए। और कुछ पैसे वैसे तो नहीं चाहिए ना अभी? नहीं, पैसे तो नहीं चाहिए थे, पर मैं सोच रही थी कि अगर हम कुछ नए कपड़े ले लेते तो। नए कपड़े? वो क्या है ना कि आपकी बात कुछ और है और रितिका दीदी की बात कुछ और है। क्यों, क्या हुआ, कुछ कहा बहू ने? नहीं नहीं, मैं तो बस। ये लो भाई। अरे इसमें क्या है इतना? खिलौने। खिलौने? ये देखो, ये भी ये। हाँ, इन सब खिलौनों के साथ खेलेगी मेरी पोती। और सुजाता, इसके बावजूद अगर खिलौने कम पड़ जाएं तो हमें बताना, हम और लेकर आएंगे। हाय दैया, इतना खर्चा किया है खिलौनों पे, इतने में तो मेरे कपड़े आ जाते और वो भी ढेर सारे। ए चुप कर, मेरी पोती पर मैं करोड़ों खर्च करूं, इससे तुझे क्या? तुझे तेरे कपड़ों की पड़ी है। अच्छा चल जा, तुझे भी कपड़े दिला दूंगी। हाँ भाई, मिलेंगे तुम्हें कपड़े, डोंट वरी। हाँ जा जा। बस सुजाता, एक काम करो, जल्दी से मेरी पोती को लेकर आओ। भाई बहुत याद आ रही थी उसकी, मैं तो एक जरूरी मीटिंग छोड़कर आ गया। वो लोग घर पर नहीं है।
मानस और रितिका अपनी बच्ची को लेकर किसी दोस्त डॉक्टर के यहाँ गए हैं। कह रहे थे मुलाकात भी हो जाएगी और बच्ची के लिए कुछ एडवाइस भी मिल जाएगी। ये तो बिल्कुल सही किया उन्होंने। सुजाता, बच्चों के पालन पोषण में ना जरा सी भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि ऐसे मामलों में छोटी छोटी लापरवाही आगे चलकर बहुत बड़ी परेशानी का कारण बन जाती है। कोई तुम्हारा चेहरा क्यों लटक गया? अब आप अपनी पोती पर इतना प्यार लुटा रहे हैं और आपका बेटा है कि कल सिंगापुर जा रहा है, तो इसमें उदास होने की क्या बात है? सुजाता, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। हमारा बेटा कुछ बड़ा काम करने जा रहा है, अचीव करने जा रहा है। वो छोटी चीज खोकर बड़ी चीज पाने जा रहा है। हमें तो खुश होना चाहिए, और सिर्फ 3 महीने की तो बात, 3 महीने बाद वो वापिस आ जाएगा। भाई तुम जल्दी से ना एक गर्मा गर्म चाय पिला दो अपने हाथों की। हाँ अरे भाई, पोती होती तो मजा आ जाता खेलने का। वैसे भाई सुजाता, कितनी देर में आ रहे हैं वो लोग, कुछ पता है तुम्हें? हाँ मानस बेटा, अफसोस तो मुझे भी रहेगा, लेकिन बेटा अफसोस करने से क्या फायदा? यू हैव अ सेफ ट्रिप। बाय बेटा। बुआ जी, क्या काम आना जीजू? बेटा, अपने माँ बाप बीवी बच्चे से दूर जाके मन तो छोटा होता ही है ना। बुआ जी, क्या काम आना जीजू? बेटा, अपने माँ बाप बीवी बच्चे से दूर जाके मन तो छोटा होता ही है ना, यही कह रहे थे मानस। शुक्र है पापा ने घर आने के बजाय सीधा एयरपोर्ट जाने की सोची, वहां पर दीदी और जीजू से मुलाकात भी हो जाएगी। हाँ बेटा, मानस सिंगापुर जा रहा है, मैं अमेरिका जा रही हूँ। पता नहीं दोबारा मुलाकात कब होगी। लेकिन बुआ जी, हमारे अमेरिका जाने के बाद तो पापा बिल्कुल अकेले हो जाएंगे, और मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो बेटा, रितिका तो यहाँ है ही, और वो यहाँ आती जाती रहेगी, तब तक तुम भी वापस आ जाओगे, और फिर जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो इस घर में एक बार फिर से रौनक आ जाएगी। लेकिन बुआ जी, आप तो मेरी शादी में आएंगे ना? ऑफ कोर्स आऊंगी बेटा, और इस बार तेरे फूफा जी भी आएंगे मेरे साथ, इसीलिए तो तुझे वहां ले जा रही हूँ। मतलब मैं समझा नहीं। मैं तुम्हें समझाती हूँ बेटा। बेटा, तुम्हारे फूफा जी को अपने ससुराल में आने से कुछ प्रॉब्लम है। अब मैं नहीं चाहती कि भैया उन्हें सॉरी कहे, मुझे ये बात अच्छी नहीं लगेगी, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ चलो और उन्हें मनाने की कोशिश करो। अच्छा, तो ये बात है, फिर तो फूफा जी को मैं जरूर कन्विंस कर लूंगा, और मैं जरूर आपके साथ अमेरिका जाऊंगा, और मैं वापस तब आऊंगा, आप और फूफा जी मेरे साथ आएंगे, और आप देखना फूफा जी, मेरी जिद के आगे फूफा जी की जिद नहीं चलेगी। My cutie pie, my darling, my baby. समझ गए पापा, समझ गए। आप बहुत उदास हो ना, बहुत दुखी हो ना कि पापा सिंगापुर जा रहे। But don't you worry, बिल्कुल फिक्र मत करो, बहुत जल्दी पापा आ जाएंगे और आपके लिए ढेर सारे टॉयज लाएंगे। Yes, of course, I promise. तब तक आप अच्छे बच्चे बनके यहाँ आराम करो और अपनी मम्मी का ख्याल रखो। ओके, यू बी अ गुड गर्ल, लव यू, लव यू। आह,
माय गॉड, रितिका ये क्या है? अरे ये कीमती आंसू ऐसे वेस्ट नहीं करते रितिका। यार एक बात कहूं, तुम्हारा ये उदास रोता हुआ चेहरा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तुम हंसते हुए अच्छी लगती हो। हंसते हुए क्या लग जाए? यस यस यस, बिल्कुल ऐसे ही तुम अच्छी लगती। राइट, वेरी ट्रू। अब एक चीज डिसाइड कर लेते हैं, मुझे एयरपोर्ट छोड़कर आने से यहां तक पहुंचने तक तुम ऐसे ही हंसती रहोगी। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब मैं वहां सिंगापुर में अकेले बैठकर तुम्हें याद करूंगा, मेरी आंखों के सामने तुम्हारा ये हंसता हुआ खिलखिलाता हुआ चेहरा नजर आएगा, रोता हुआ चेहरा नहीं। See a better smile, okay? मानस, मुझे मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा तुम्हारे बगैर। मैं ये 3 महीने कैसे गुजारूंगी? तुम अपनी ट्रिप कैंसिल नहीं कर सकते। मुझे ऐसा लगता है कि ये वक्त ना यहीं पे ठहर जाए। आखिर कितने दिन तक हम इस तरह से जी सकते हैं? अगर यूं चलता रहा तो ना हमारी जिंदगी का इसी लॉकअप में दी एंड होगा, समझ लेना। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? हाँ, कर भी क्या सकते हैं। और वैसे भी तुम जैसे बुजदिल से उम्मीद क्या की जा सकती है? हा? अरे तुम्हारे आगे पीछे कोई है कि नहीं है? है ना। तो फिर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे तो कैसे होगा काम? खुद कुछ करते नहीं हो और दूसरा करना चाहता है तो उसका साथ भी नहीं देते। करने दो, मुझे करने दो। मगर तुम करो क्या? बहुत कुछ कर सकता हूं मैं। मेरे पास दिमाग है, मेरे पास हौसला है। एक आदमी की जरूरत है मुझे। तुम अगर मेरा साथ दो तो मैं फिर तुमसे वादा करता हूं कि सबसे पहले मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। प्रॉमिस। तुम अगर मेरा साथ दो तो मैं फिर तुमसे वादा करता हूं कि सबसे पहले मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। प्रॉमिस। लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूं? लेकिन हाँ, अगर तुम्हारे प्लान में दम हुआ तो मैं तुम्हारे साथ हूं। धीरे बोलो। प्लान सुनना है? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। मैं तुम्हारे साथ। ठीक है, तो आज से और अभी से अपनी आजादी का जश्न मनाना शुरू कर दो। कौन किसी को बांध सका? सयाद तो एक दीवाना है। तोड़ के पिंजड़ा देखना एक दिन, पंछी को उड़ जाना है। ए बावरी, कब तक ऐसे लेफ्ट राइट करेगी? हा, तेरे पाँव नहीं दुखते? अरे कुछ तो लियाज कर ले, चला बैठ। बैठेंगी, कुछ बातें बातें करेंगे, एक दूसरे को जानेंगे, समझेंगे। वैसे तो मेरी आधी उम्र इस जेल में ही कट गई है। मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है।
कल तक मैं इस लॉकअप में अकेली थी तो खुश थी, तुमने आकर यहाँ पे मेरा जीना आराम कर दिया है। तुम घुटता है मेरा यहाँ। वाह, तेवर तो बड़े गरम है। हाँ, देखने से तो कोई अमीरजादी लग रही है। चोरी चपाटी करना तेरा काम नहीं है, तेरे बस की बात ही नहीं है। वो पक्का 400 वीसी की वजह से अंदर आई है। मैं तो तुम्हारे तजुर्बे को लोहा मानती हूं। वैसे मेरा तजुर्बा तो कुछ और भी कहता है, पर तू मानेगी नहीं, मुझे पता है। तुम्हारे पांव भी भारी। क्या बकवास कर रही हो तुम? क्या हुआ? अरे क्या हो रहा है? अरे कोई है? कोई जल्दी आओ, डॉक्टर को बुलाओ। जल्दी से इनकी तबीयत खराब है, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। ठीक है ना? एक काम करो, तुम यहां बैठो, जल्दी बैठ जाओ। अरे ठीक है ठीक है ठीक, बैठो। बस बस, डॉक्टर आते हैं। अरे कोई जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, बस बस बस, डॉक्टर आती होगी। डॉक्टर डॉक्टर जल्दी करिए, बस दो मिनट, बस बस डॉक्टर। ये माँ बनने वाली है। मानस, अरे मानस बेटा, ये फ्लाइट का टाइम हो रहा है, ये इतना लेट क्यों हो रहे हैं भाई? बुलाओ उनको। राधा तो जाके देखो। हाँ जी, जाओ जल्दी। कम कम, अरे आओ। वो पैकिंग की वजह से देरी हो गई। मानस की वजह से देरी हो गई। पैकिंग। अच्छा चलो आओ। अबे आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? मैं जा रही हूँ ना, आप रुकिए। ये भी चल रही है और जज साहब भी आ रहे हैं एयरपोर्ट, तो वो इन्हें ड्रॉप कर देंगे। वो बेबी अंदर रूम में सो रही है। कोई बात, बेबी का ख्याल हम लोग रख लेंगे। वैसे भी वो हमसे बहुत घुल मिल गई है। माँ ऐसे रो के विदा करोगी तो मेरी हिम्मत टूट जाएगी। प्लीज नहीं बेटा, ये तो खुशी के आंसू है ना। तुम्हारे डैडी कह रहे थे कि उनका बेटा कुछ अचीव करने जा रहा है। जी बेटा, कभी हिम्मत मत हारना और अपना ख्याल रखना। और हाँ, यहाँ की चिंता बिल्कुल मत करना, बहू और पोती को हम अच्छी तरह से संभाल लेंगे। डैड, मेरी हिम्मत आप है और माँ है। चलो बाहर से छोड़ देता हूँ। चलिए माँ, बाय बाय। चलो चलो, कम कम। ए भाई, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? देखो, इस जेल में हर तरह की फैसिलिटी है, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। और वैसे भी तुम बाप बनने वाले हो ना, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। अरे तुम तो रोने लगे। देखो यार, मैं तो तुम्हें शेर दिल समझता था, लेकिन तुम तो बस। I'm sorry. I'm sorry. बस आज से तेरी मेरी दोस्ती खत्म, समझा? आज के बाद मैं तेरा किसी प्लान में भी साथ दे दूंगा, और अगर आज के बाद तूने मुझे हाथ लगाया, मैं पुलिस वालों जाके तेरी सारी बोर्ड खोल दूंगा। आई बात समझ में? ऐसा मत करना प्लीज।
तुम जरा मेरी मन स्थिति समझने की कोशिश करो। कितना अभागा हूं मैं ये तो सोचो। अपने बाप बनने की मुझे खबर मिली है तो वो भी पुलिस लॉकअप में। ओहो, ये अंजना अभी तक वापस क्यों नहीं आई? भाभी से चोरी छिपे मैंने उसे स्नेहा का हाल पूछने उसके वकील के पास तो भेज दिया, खामखा कहीं किसी मुसीबत में ना फंस गई हो। लेकिन मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूं? ऐसा नहीं हो सकता। अरे अंजना, तुमने इतनी देर कहां लगा दी? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। बैठो। और तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? इतनी घबराई भी क्यों हो? विस्तार से बताओ क्या बात है। बात ही कुछ ऐसी है, मगर आपको इससे क्या? आप तो गैरों के दुख दर्द समझने में इतने मशगूल हो गए हैं कि आपको अपनों का दर्द दिखाई ही नहीं देता। समझ में नहीं आता ये बात मैं आपको बताऊं भी या नहीं। अंजना, ऐसी क्या बात है, मुझसे छुपाने की क्या जरूरत है? भाई मैं तुम्हारा पति हूँ, सच सच बताओ आखिर क्या हुआ है। तो सुनिए, क्या कहा तुमने? स्नेहा मां बनने वाली है? हाँ। कच्चे था।